हे गाइस, वेलकम टू अवर टेक प्रोग्राम माइंड। आज की इस वीडियो में एक और ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में और भी कंपनियों के लिंक है, और आपने उनके लिए अप्लाई नहीं करते वो चेकआउट जरूर करिएगा, और इस ड्राइव का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर की जॉब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही जॉब है। अगर आपकी ये जॉब लगती है तो आपकी जॉब लगेगी बैंगलोर में। ठीक है, जॉब लोकेशन में दिया हुआ है, लेकिन कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ 2020 बैच के ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? कंपनी का नाम है 3M, जिसका नाम MM मॉडल भी है। ठीक है ना? आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पर चले जाइएगा, या फिर कंपनी के बारे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। अब आपको इसके लिए चाहिए क्या क्या, एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगे, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? देखिए, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जानकारी होनी चाहिए, किसी भी एक प्रोग्रामिंग की, C++, जावा, पाइथन, कुछ भी आपको एक आना ही चाहिए जिसमें लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना? और ऑटोमेशन टूल्स को आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? इसमें लिखा हुआ है ऑटोमेशन टूल्स की बेसिक नॉलेज, और ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। अब थोड़ा आपको इसके अप्लाई कैसे करना है, देखिए, अगर आप लिंक्डइन से चाहें तो लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट बनना डायरेक्टली यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइप की जॉब है। ठीक है ना? आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो खुलेगी। आपको सिंपली पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो अपना अकाउंट क्रिएट करिएगा, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, वेरिफाइड पासवर्ड करिएगा। ठीक है ना? तो फिल करिएगा जल्दी जल्दी। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर नई विंडो खुल जाएगी। आपको यहाँ पे सिंपली अपना रेज्यूमे अपलोड करना है। ठीक है ना? रेज्यूमे अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करिएगा, अपना रेज्यूमे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है ना? रेज्यूमे अपलोड करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, तो आपको बेसिक सी डिटेल भरनी पड़ेंगी अपनी। ठीक है ना? नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। तब देखिए, आपको अपना कंट्री नेम सेलेक्ट करना है, नेम, फैमिली नेम, जो भी आपका नेम हो, एड्रेस, आपको एड्रेस फिल करना है, ईमेल एड्रेस आपका पहले से होगा, फोन नंबर आपको भरना है। ठीक है ना? इसके बाद आपने इसके बारे में कहाँ से सुना वो सेलेक्ट करिएगा। ठीक है ना? इसकी 3M की वेबसाइट सेलेक्ट करिएगा, कुछ भी सेलेक्ट करिएगा। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस भरना है, आपके पास है सर्टिफिकेट वगैरह आप लिख दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अपनी एजुकेशन भरना है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, डिग्री सेलेक्ट करिएगा, जो भी आपकी डिग्री हो। ठीक है ना? डिग्री सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद ये बैचलर डिग्री सेलेक्ट करना है आपको, फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करिएगा, ओवरऑल आपकी जो भी परसेंटेज, जो मार्क्स हो वो वहाँ फिल करना है। ठीक है ना? इसके बाद नीचे आइएगा, इसे फिल करने के बाद ये एक्स्ट्रा खुले होंगे तो आप सिंपली इनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना? इसका नीचे आइएगा, इसके बाद अपना स्किल्स, अब देखिए यहाँ पे स्किल्स बननी है, आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, C++, जावा, पाइथन, कुछ भी आता हो आप सिंपली फिल करिएगा। ठीक है? जैसे फिल करके दिखाता हूँ आपको, लिखना सी लिखना है, फिर एंटर मारना है। एंटर मारेंगे तो देखिए सी प्रोग्रामिंग आकर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना? पाइथन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जावा सेलेक्ट करिए, जो भी आपको आता हो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद एंटर मार दीजिएगा। ठीक है ना? ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। अब इसके बाद आपने रेज्यूमे अपना अपलोड कर ही दिया होगा, लैंग्वेज में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आपको आता हो सिंपली यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना? इसकी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ हिंदी, सेलेक्ट करा। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आपको किस बिगनर लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, जो भी लेवल हो आपका उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना? ओवरऑल आपको किस किस तरह की आती है अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना? मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा नीचे आएंगे फिर इसके सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है ना? आपको और भी लैंग्वेज आती है आप सिंपली यहाँ पे ऐड पर क्लिक करके और भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? रेज्यूमे आपको अपलोड हो गई, नीचे आते हैं थोड़ा। अब देखिए, अगर आप वेबसाइट के बारे में काफी कोई वेबसाइट हो रेलिवेंट तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। आपका लिंक्डइन पर अगर प्रोफाइल हो तो उसका लिंक भी यहाँ शेयर कर सकते हैं, नहीं है छोड़ सकते हैं। फेसबुक पर, ट्विटर पर आप चाहे तो उनका लिंक भी शेयर कर सकते हैं, नहीं है तो बेसिकली स्किप कर दीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। ठीक है ना? इसके बाद ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन होंगे, आपको सभी को पढ़ चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली नो नो फिल कर दीजिएगा। ठीक है? सभी आपके काम के नहीं है। ठीक है? नो कर दीजिएगा सभी। ठीक नीचे आते हैं थोड़ा और, ये सब नो कर लें आपको। फिर उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जो भी जेंडर हो, मेल, फीमेल, आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेल सेलेक्ट करा। इसके बाद डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो नहीं है, नो तो नो कर दीजिएगा। ठीक है ना? इसका नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। इसका टर्म एंड कंडीशन आएगा, आपको सिंपली इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, इसके चेक करने का नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जो फिल करा होगा आपका बायोडाटा आप सभी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना? देखिए पूरा बायोडाटा आपका आ जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका सबमिट पर आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद आपके पास एक मेल आएगा, एक कन्फर्मेशन वाला कि आपने सक्सेसफुली इसके लिए।
रजिस्टर कर दिया है, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिएगा, आपके अगर मेल गलती हो जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। अब भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा और इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको सैलरी पैकेज जाना है, उसका सैलरी पैकेज कितना है, तो आपको अप्रोक्स ज्यादा नहीं तो 3.5 से लेकर 4 LPA तक ही मिलेगा, ठीक है ना। और ये अगर कंपनी के बारे में पढ़ना चाहते हो, आप कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। MM मॉडल ये कंपनी का दूसरा नाम है, या फिर 3M, इसका 3M भी नाम है और MM मॉडल भी नाम है, ठीक है ना। आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की जॉब मैंने पहले बता ही दिया था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।